हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइल जंकी एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दीवाल पे। जो दीवाल है हमारे किन्नौरी कल्चर में और जो मेरा गांव है बारंग में, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और हर साल मनाया जाता है। और जो इसकी एंड डे होता है वो होता है दातिंग, और वो आता है दिवाली के ठीक एक महीने के बाद। तो मैं आज आप लोगों की वीडियो में जो दिखाने वाली हूँ वो ये दिखाने वाली हूँ कि दीवालों पर होता क्या क्या है, किस तरह से इसे मनाया जाता है, हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज मंदिर में क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कल हम लोगों ने क्या है घर में ही पूजा की थी। तो घर में जो पूजा हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। तो ये है कनक, हमारी लोकल कनक होती है ये हमारे यहाँ खेतों में लगाते हैं। और इसकी हम लोग इसको भुनेंगे अभी हम लोग आग पे, और इसकी मूढ़ी बने, उसको मूढ़ी बोलते हैं, भुनने के बाद ये मूढ़ी बन जाती है। तो अब इसे हमें हिलाते रहना पड़ता है, अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो ये जल जाएगी। और देखिए छोटे छोटे कैसे पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं, उस तरह से ये ऐसे पॉप अप कर रही है। अब हम लोग अखरोट को तोड़ेंगे और अखरोट की जो गिरी होती है उसको निकाल के इसमें डालेंगे मूढ़ी के अंदर। और अभी तो पहले इसकी पूजा होगी, उसके बाद हम लोग इसे खाते भी हैं और सर्दियों में भी खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी होते हैं ये। अखरोट वगैरह डालते हैं और जो खुमानी की गिरी होती है उसको भी डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो देखिए ये इस तरह से इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये लिया है हमने आटा, जो नॉर्मल आटा हम लोग चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो है ये। ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसके हम पोचा बनाएंगे। अभी देखिए किस तरह से बनेंगे छोटे छोटे पैनकेक्स। इस आटे की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओगले का आटा, तो वो भी यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ किया जाता है। तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पूजा के लिए, हम लोग ये बना रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर पैनकेक्स से बने हैं। तो ये बनके तैयार हो गए हैं हमारे पास पोचा। और हम लोगों के पास ये जो होते हैं ना, ये होते हैं चुल्ली के पत्ते, क्योंकि आजकल और कोई पत्ते मिलते नहीं है तो पूजा के लिए इन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो इनसे और मक्खन को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है पूजा में यूज़ करने के लिए, तो वो पूजा में यूज़ किया जाता है। ये है हमारा धूप, जो कंडों से जो हम कंडे वगैरह जाते हैं तो वहाँ से ये लाया जाता है। तो अब मम्मी इसकी पूजा कर रहे हैं कि जो जो भी चीज़ें बनाई हुई है उन सब से पूजा करेंगे। और ये देखिए किस तरह से मम्मी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए अखरोट भी रख दिया इस पे, अब चुल्ली के पत्ते डाल रहे हैं इसके ऊपर। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पानी का अर्घ, तो पानी की कुछ छींटे यहाँ पे मार देंगे तो वो उससे पानी का अर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी आज की पूजा की जाती है। तो ये था हम लोगों का पिछला फर्स्ट डे, मतलब ये शाम के टाइम की बात होती है, सारी पूजा पाठ करने का काम जो करते हैं वो शाम को ही करते हैं फर्स्ट डे पे। और आज जो है सेकंड डे है और मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। फिलहाल मैं चलती हूँ मंदिर और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मंदिर में क्या क्या हो रहा है।
अब देवता जी को बाहर निकाल दिया है मंदिर, अंदर मंदिर से, और अब चोरिंग में रखा जाएगा, तो इसको चोरिंग बोला जाता है। चोरिंग आप लोगों को किन्नौर के हर एक मंदिर में देखने को मिल जाएगी। ये जगह मंदिर के बीचों बीच होती है, जो मंदिर का पूरा एरिया होता है, कैंपस होता है, उसके बीचों बीच चोरिंग बनाया जाता है, और वहाँ पर आज के दिन मंदिर देवता जी को रखा जाता है। तो देवता जी को आज यहाँ रखेंगे, और पूरा जो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा, जो अंदर वैसे जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें अंदर किया जाता है, आज के दिन क्या होता है कि यहीं पे पूजा पाठ किया जाता है। पहले देवता जी को जिस तरह से हम लोग नॉर्मल डेज में करते हैं, खुद भी अपने घरों में करते हैं, पहले स्नान किया जाता है, पहले साफ़ सफाई की जाती है, उसके बाद धूप बत्ती करते हैं सब, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है पूजा की जाएगी। देखिए सभी घरों से राजमा आए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं मंदिर में, और उसके ऊपर अखरोट डाले हुए हैं सबने, और इन्हें इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद इसमें पूजा की जाती है। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर के जितने भी कारदार हैं वो बैठते हैं, और सबसे पहले उस इकट्ठे किए हुए राजमा से इन्हें राजमा दिया जाता है। ये लोग अपने राजमा अपने अपने पैकेट्स में इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके बाद जो गाँव के सभी लोग हैं जितने भी आए हुए हैं सबको राजमा जो है वो बांटे जाएंगे। तो सारे राजमा मिक्स करके बांटे जाते हैं, इसमें थोड़े थोड़े कुछ लोग मटर भी लेके आते हैं, तो ये सब कुछ मिक्स करके सभी के घरों में जाएगा। और देखिए किस तरह से यहाँ बांट रहे हैं लोग, और ये बास्केट्स भर देंगे और इसे घर लेके जाएंगे। अब कुछ देर के लिए यहाँ पे मेला लगाया जाएगा। सबसे पहले जो होते हैं कारदार होते हैं वो मेला स्टार्ट करते हैं देवता जी के साथ, और उसके बाद गांव वाले थोड़ी देर मेला लगाएंगे, और इसी तरह से आज का दिन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। चलिए सुनते हैं दादू जी से कि दीवाल के बारे में वो हमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। ये ना नवंबर ना हमारा ये लास्ट होता है ना, ये जो हम लोग का जो आदमी मर जाते हैं ना, तो इनका एक तो इनका ये दिवाली मंत्र मनाते हैं हम, देवते निकालता है ना। हाँ तो ये हमारा एक लोकल दिवाली है, सब जय में ये जैसा पुरमुनी हुआ, संगला हुआ, ये वहाँ वहाँ तो दिवाली होता ही है ना। बाकी नीचे नीचे नहीं होता है। अच्छा। हाँ ये पुरमुनी में मशहूर होता है, संगला में भी मशहूर होता है ये दिवाली। अच्छा। हाँ ये हमारा इधर भी देखो आपने देखा 3 दिन लगातार रहा ना। तो ये हमारा देव देवी देवते ये जो है ना कैलाश को पूजा करते हैं। हाँ तो बाद में वो बहाना जब जैसा हमारा मरे हुए आदमी का जो है ना आज लास्ट है ये। अच्छा। हाँ ये उनको उनके लिए पूजा होता है।
जो मर गए ना उनका पूजा होता है। जैसा मर के 6 महीना हो गया, 7वां महीना हो गया, 8वां महीना हो गया, तो ये लास्ट दिवाली में उनका भी पूजा होता है। अच्छा हाँ, तो दादू जी इसमें देखा ना मैंने, चुल्ली के पत्तों से पूजा करते हैं ना देवता की भी। हाँ हाँ और तो वो चुल्ली के पत्तों से ही क्यों करते हैं, कोई और पत्ते नहीं कर सकते हैं क्या? और पते होता नहीं है ना यहाँ। अच्छा अच्छा इस वजह से चुल्ली के पत्ते। हाँ हाँ यहाँ और पते होते नहीं चुल्ली का। अच्छा। और दूसरी बात, अगर हम लोग ये सोचते हैं ये चुल्ली है, ये चुल्ली वैसा शुद्ध चीज है, ये अच्छा खराब चीज नहीं है। हाँ अच्छा, क्या जैसा ये जो अखरोट वगैरह बादाम का जो लकड़ है ना जी, जो आदमी मर जाते हैं ना वहाँ पर वो लकड़ भी देने से बहुत पुण्य होता है। अच्छा, किसका, चुल्ली और बादाम का? हाँ चुल्ली बादाम अखरोट। अखरोट, अच्छा। हाँ लेकिन लोग यहाँ जानते नहीं है। आई आई के नहीं होली पोता में थी, आई जी को लच्छी जी को वो 12 महीना हरा रहता है, वो छोटा जैसा बूटा होता है, अच्छा हमारा गोलकाटे नीचे उधर भी है। अच्छा हाँ तो उसका उसका जड़, वो जड़ भी उसका धूप काम आता है। अच्छा चुली का पत्ते भी ये जो है ना तो हरा है ना, ये तब इससे देवते जो पूजा करते हैं, तो कैलाश शिव कैलाश को पूजा करते हैं ना। हाँ, क्योंकि अब तो सारे पत्ते बाकी तो झड़ ही जाते हैं, है ना, हाँ धूप की हाँ वजह हाँ से। हाँ हाँ और तो दिवाल जो होते हैं सबसे लास्ट फेस्टिवल होगा अभी ये, है ना हाँ ये लास्ट है, साल ये का, लास्ट। अब जनवरी में सीधा वही साजोई अब होगा अब हाँ अब लोहड़ी आएगा भाई, अब नए साल के लिए। हाँ अब बाकी अब नहीं आएगा, बाकी ऐसा छोटा मोटा ये सब तो है अभी ना, अच्छा जैसा खेपा हुआ, खानिंग हुआ, अच्छा जैसा वो बकरे बुकरे काटते हैं ना लोगों को, अब तो काटते ही नहीं है। अच्छा हाँ ये जो कमर वाले तो कोई कोई काटता ही है, अच्छा इधर वाले तो नहीं। अब क्या जिसने खाना चाहे तो 1-2 किलो ऐसे ही लाते हैं। हाँ तो ठीक है, ऐसा ऐसा है ये अच्छा हमारा मशहूर है, अच्छा ये दिवाली हमारा किन्नौर में सब जगह में है। अच्छा अच्छा जी, कुछ जैसे नीचे यहाँ से किन्नौर से बाहर चल जाओ तो यहाँ श्राद्धे करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, तो हाँ वैसे हमारे यहाँ दातिंग कर में होता होगा, है ना, हाँ बे दातिंग में मतलब बुजुर्गों की हाँ जो श्राद्धे जो में हाँ नीचे खाते आप हैं ना। हाँ 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 ये आप ठीक बोल रहे हैं, नीचे का वाला मेरे को पता नहीं है ना। हाँ हाँ श्राद्ध कुछ करते हैं हाँ ना। शिलाता हाँ हाँ ठीक, वो इधर होते हैं वो अच्छा अभी। हाँ ठीक है दादू जी, हाँ ये आ गए हैं अब हम नेक्स्ट डे पे। ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसे बाथू बोलते हैं और इसे किन्नौरी भाषा में डंखर कहा जाता है। और ये आज के दिन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आज जो पूजा होनी है वो इसी से होती है। इसे हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कल मूढ़ी के लिए भुना था, तो उसे इसे भी आज उसी तरह से भुना जाएगा और उसके बाद इसे मंदिर ले जाया जाएगा इसके ऊपर अखरोट रख के। लगाओ। तो मम्मी ने अभी इसे भुनना स्टार्ट कर दिया है और देखिए अब भुन के ये किस तरह से पॉप करेंगे। और बहुत ही सुंदर होते हैं ये छोटे छोटे दाने और खाने में भी अच्छे होते हैं। इसमें भी हम लोग उसी तरह से ड्राई फ्रूट कोई भी मिक्स करके इसमें मिला लो और फिर उसे खाओ तो बहुत ही यमी होते हैं। फिर से आज देवता को सोरिंग में रखा जाता है और यहीं पे जो पूजा पाठ का सारा कुछ काम होता है वो यहीं पे किया जाता है। यहीं पे साफ़ सफाई से लेकर धूप बत्ती हर चीज़ यहीं पे दी जाती है। तो जिस तरह से कल पूजा पाठ हुआ था आज भी सेम वही सब कुछ होने वाला है और उसी तरह से यहाँ पे पूजा करी जाएगी देवता जी और देवी जी की। बारिश हो रही है काफ़ी, कल भी बारिश थी आज भी बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है। ये देखिए डंखर को इकट्ठा किया जा रहा है और साथ में ही बांटा भी जा रहा है। तो सभी लोग अपने अपने घरों से लेके आए हैं और वो यहाँ पे जहाँ इकट्ठा किया हुआ है पैकेट में एक, तो उसी में सब डाल रहे हैं और वहाँ से ही सबको बांटा भी जा रहा है। देखिए किस तरह से बांटा जा रहा है यहाँ पे।
एवरीवन, आज है दातिंग और आज है दिवाली का लास्ट डे। तो आज के दिन क्या होता है कि जिन जिन घरों में लास्ट दातिंग से आज से पहले मतलब जिनका क्रियाक्रम हो चुका है, उनके बीच में जिन घरों में डेथ हुई होती है किसी की, वहां पे जाते हैं सारे, वहां काम करते हैं और कुछ पूजा पाठ होता है, उसके बाद मंदिर जाते हैं लोग। तो वहां पे जो जो चीजें होती है वो किस तरह से होती है वो आप लोगों को मैं आज के दिन दिखाने वाली हूँ। देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे बन रहे हैं पोले और ये पोले बहुत सारे बनाएंगे और ले जाएंगे मंदिर। मंदिर में जाके इनकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद उसको सब में बांटा जाता है। जितने भी लोग मंदिर में प्रेजेंट होंगे उन सब में पोले बांटे जाएंगे। तो क्या क्या होता है, किस तरह से रहता है सब कुछ, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लोग को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे जो बुजुर्ग लोग चले गए ना, जो दिवाली से पड़के साल दिवाली के बाद, अब इस साल का दिवाली में इसके हमारे पुराने कल्चर के मुताबिक इस साल ये साल का जो है ना कि पलटू जैसा है गंगा बहाना, वो इस साल लोगों को बांटते हैं, है ना जी। हाँ, दातिंग में दिवाली में बांटते हैं। उसके बाद हमारे जो है संस्कार में पहले से बन चुका है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, होना चाहिए। ये हमारे पहले से कल्चर चला है परंपरा से, अभी से नहीं। उसके बाद इसके बाद फिर अगले साल जो इसके बाद देहांत हो जाएंगे तो उनके बाद अगले साल दिवाली को यही कार्यक्रम होगा। ये हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की तरफ, सारा सामान लेके सब जा रहे हैं और किल्टे में पोल्टू ले जा रहे हैं, अपने शॉल में भी बहुत सारा सामान जो है पूजा के लिए जो जो चीज़ लगनी है वो सब कुछ ले जा रहे हैं। मंदिर में देवता जी को बाहर निकाल दिया गया है और जैसे पिछले दो दिनों से होता आ रहा था, बाहर चोरिंग में बिठा के देवता जी की पूजा की जा रही थी, वही सब कुछ फिर से होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि दिवाली एक्चुअली जो होता है हमारे घरों में या फिर जो भी जिनकी डेथ हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए वो पूजा यहाँ पे की जाती है। तो ये होता है कि जो सबसे पहले पूजा करते हैं वो करेंगे जिनकी पिछले साल के दिवालों के बाद फर्स्ट डेथ हुई थी, तो वो सबसे पहले पूजा करेंगे और उसी तरह से उसी हिसाब से फिर उसके बाद वो करेंगे जो जिनकी डेथ उनके बाद हुई है, उस हिसाब से उनके घर वाले पूजा करते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे पूजा लोग करते जाएंगे, जैसे जैसे पूजा ख़त्म होती जाएगी, साथ में वो लोग जो पूरियाँ और जो भी सामान बांटने के लिए लेके आए हैं वो ला के मंदिर में लोगों को बांट देंगे। सबसे पहले जो होते हैं वहाँ पे कारदार बैठे होते हैं मंदिर के बीच में, अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे आगे, तो वो लोग सबसे पहले लोग उन्हें देंगे जो भी प्रसाद होगा सारा, और उसके बाद जो होता है गांव के सभी लोगों में ये प्रसाद बांटा जाता है। तो आप लोग वीडियो में देखिए कि किस तरह से यहाँ पूजा की जा रही है और किस तरह से यहाँ लोगों के बीच में प्रसाद बांटा जा रहा है।
तो इसी के साथ हम लोगों के दीवाल जो है वो ख़त्म हो गए हैं, आज था लास्ट दिन। तो बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को पता चली या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए चूले गाइज़।